जैसे मिलान का धूम हो या वैसे यहाँ का वो इस शहर का वो धूम हो। अभी से ट्राई करते हैं। हम आ चुके हैं, सिर्फ के बाद फोन भूल गया था गाड़ी में, फोन भूल गया था गाड़ी में और मैं वीडियो बना रहा यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे। मैं हूँ रमा तिमी इशवारा, ना ये रोमानिया का एक शहर है तिमी इशवारा, इसके सेंटर में हम आ चुके हैं। वो आप देख सकते हैं सारा आगे सेंटर है, तो वहाँ चलते हैं अभी। और भाई कह रहे हैं यहाँ एक कोल्ड ड्रिंक मिलती है बंदे को, फिर ऐसे ना अजीब सी कोल्ड ड्रिंक है। उसने एक स्टोरी बताई है कि एक बंदे को उसने पिलाई और फिर उसकी जहाँ वो बिल्कुल काम करता है उस दुकान से, उस दुकान के सामने लगाई, वो कहते हैं मैं किधर आ गया, उसे होश ही नहीं वो किधर है। फिलहाल अभी चलते हैं, आपको वो ड्रिंक भी दिखाएंगे और पूरा सेंटर भी दिखाते हैं। तो हाँ जी, मुझे ना बिल्कुल ये मिली है वो चर्च के बिल्कुल सामने ना, ये ट्राम खड़ी हुई है, ट्रेन भी इसे कह सकते हैं। और ये इसमें बंदे सफ़र करते हैं, और इसमें ये पहले इंग्लैंड भी जाया करते थे, बहुत जगह जाया करती थी। ये बहुत ज़्यादा पुरानी है और इनकी हिस्ट्री भी वहाँ लिखी हुई है सारी, वो मैं आपको जाके पढ़ा दूँगा। तो जी ये इसकी सारी स्टोरी लिखी है, मुझे तो फिलहाल कुछ नहीं पता ये लिखा हुआ है, ये सारा रोमेनियन में है ठीक है, ये सारा लिखा हुआ है यहाँ से थोड़ा पता है, लेकिन इग्नोर करते हैं, मार्शल पेज लगा हुआ है ये सारा, ऊपर उन्होंने फोटो भी लगाई हुई है। तो जी ये बंदूक का जो बंदे जिसमें बैठ के यहाँ रोडों पे ट्रैवल करते थे ना, अभी भी चलती हैं, लेकिन ऐसी नहीं है, ये सर थोड़ी नई है, वो अच्छी शेप है, येलो ज़्यादातर कलर होता है उनका। ये देख सकते हैं अंदर सारी वो सीटें लगी हुई हैं, अभी तो सही नहीं नज़र आ रहा अंधेरा है। और ये ना सब वो सबसे वो चर्च है यहाँ की चेंत्रों की, ये बस ड्रामे थी ये है, और उसके शायद वहाँ डिस्क्रिप्शन भी लगी हुई है, ये कैसे क्या इसके बारे में सारी हिस्ट्री है वो भी आपको चलकर दिखाते हैं। तो मुझे भी ये मिला है, ये ना किएजा और तो दोस्त है अंदर, लेकिन ये छोटी है, और वो जो मैंने पहले दिखाई थी वो वाली वो ना किएजा कत्तौली का, अभी ये दोनों ना मुकाबले वजह से मुझे यही पता है। वहाँ भी देखो वो बंदा बजा रहा है ना, वो जो वहाँ खड़ा है वो ये बजा रहा है, और आगे भी सारी लाइटें लगी हुई हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। फिलहाल अभी आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये जी एकदम लाइटें आ गई हैं सारी, इतनी लाइटिंग इन्होंने की हुई है पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ सारी नॉर्मल दुकान ही है साइड पे, कुछ खास नहीं है ठीक है। और मेरे ऐसे खाने पीने की रेस्टोरेंट ऐसे कुछ है, और भाई कहते आगे कोई अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है ज़रूरी, ऐसे पता नहीं ऐसे ही कुछ कह रहा था, वहाँ आकर जाकर आपको वो भी दिखाएंगे। ऊपर देख सकते हैं यहाँ लोग भी रहते हैं, अभी घर से ये व्यू मिले और क्या चाहिए, इनकी तो मौजें लगी हुई हैं। अभी दो तीन दिन हो रहा है रोमानिया, फिर हम देखेंगे और किधर जाना है, क्योंकि मेरा स्कूल भी स्टार्ट हो रहा है, तो उसको भी उस साथ से वो भी ध्यान रखना है। बाकी ये सारे दुकानें हैं मेरे पीछे, वहाँ से स्टार्ट हुआ है, अभी आगे चलते। तो जी अभी यहाँ ना मैं आया हूँ, भाई ने बताया ये जो रेड लाइन है ना इधर चेंत्रों में, ये सारी ना एक मस्जिद की एक है, वो क्या नाम है, दीवारें हैं मस्जिद की, वो इसलिए इन्होंने ये लगाया, वो पता नहीं ये क्यों दिखा रहे हैं अभी, लेकिन ये मस्जिद की ये लाइन दीवारों के लिए थी, ये वो दिखा रहे हैं। और आगे भी है वो सामने नीचे वो भी, अभी बहुत कुछ है, बस अभी आगे आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। ज़्यादा बंदे तो यहाँ साइड पर बैठे हुए हैं सारे, मुझे देख रहे हैं आप, ज़ाहिर बात है हज़ार बंदों में से एक कैमरा ऐसे पकड़ के खड़ा हो जाए, कितने लोग देखते हैं। फिलहाल अभी आगे चलते हैं, सारे रेस्टोरेंट ही और दिखाने के लिए कुछ नहीं है, आइसक्रीम वगैरह बार वगैरह रेस्टोरेंट, उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है, नहीं तो वह नॉर्मल दुकानें जो शॉपिंग के लिए होती हैं, लेकिन वो इस टाइम पर बंद हो गई है सॉरी। तो यहाँ से हमारी लाइटनिंग ख़त्म होती है, और वो आगे अभी थोड़ा और चलना है, फिर वापस वो लाइटनिंग आएगी। तो जी ये वो पियानो बजा रहे हैं, यहाँ पूरा भरा हुआ है, ये एक स्टैचू बना हुआ है वो ज़्यादा, यहाँ साइडों पे सिर्फ रेस्टोरेंट है, वहाँ वो बजा रहा है, और साइडों पे भी लोग बैठे हुए हैं उसके। बहुत बड़ी जगह ये चेंत्रो, बहुत ज़्यादा है,
मुझे अगर छोटी होगी जैसे हमारे को त्रिवीलियो के पास जो त्रिवीलियो का होता है, लेकिन रोमानिया को बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। बंदे भी यहाँ जितनी बड़ी जगह है उसके हिसाब से ठीक ही है, बहुत ज़्यादा बंदे हैं। फिलहाल अभी आगे चलते हैं, मुझे ना अभी और कुछ नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इनकी हिस्ट्री में, जो मर्जी हुआ मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अभी और देख रहे हैं, भाई तो घुमाता जा रहे क्योंकि वो यहाँ ही रहता है, वो कहता है मैं घुमाता हूँ, तो अभी तक उसकी वजह से हम घूमते जा रहे हैं। फिलहाल वो कि इंटरेस्टिंग चीज़ आती है आपको दिखाते हैं। एक अंकल ना हमारे साथ आए हैं, वो कहते हैं हमसे पहले भी आए हैं, वो सब बुलाते हैं छतरियों की गली, ऊपर इतनी ज़्यादा छतरी है, तो कोई टूटी नहीं है, आवाज़ ही होगी थोड़ी सी, लेकिन बाकी सारी ठीक है, कलरफुल और बाकी यहाँ बिल्डिंग मकान चाहे वो हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब भाई से पूछो कितनी देर में वो जो जिस ड्रीम के बारे में बता रहा था वो कितनी देर में आती है, फिर आपको वो दिखाते हैं। जी अभी हम यहाँ उस गली से निकल के आ चुके हैं, समय आ गए नजर आता है कैथेड्रल, जैसे मिलान का धुआं है वैसे यहाँ का वो इस शहर का वो धुआं है, और ये साइड वाली पॉलीटेक्निका ये यहाँ की यूनिवर्सिटी है, और ये ओपेरा इंटरनेशनल है, ठीक है। और बाकी साइडों पर रोडें वगैरह हैं जैसे नॉर्मल है, फिलहाल हम इसी जगह जाते हैं, शायद कुछ और मिल जाए तो वो आपको वो भी दिखाते हैं। लेडी, तो ये पिंक कलर की होती है और ये भी मंगाते हैं, और चाचू कहते हैं कि सर जगह के रहते कि इसका बहुत ठंडी ड्रिंक है, अभी जब आती है आपको दिखाते हैं। तो जी अभी ड्रिंक आ चुकी है, ये कोल्ड जैसी है और अंदर बहुत ज़्यादा बर्फ है, तभी इसे ट्राई करते हैं। पिंक लेडी पी ली, मैंने आप लोगों के सामने की एक्टिंग की थी, इतना भी ठीक है, थोड़ा सा कटा था लेकिन आसानी से पी जा रहा था। भाई क्या था पिछले वाले अंकल की तरह तूने भी ऐसे पे तुझे भी फिर कुछ समझ नहीं आएगी, मैं एकदम हाजिर ना, सारा कुछ मुझे समझ आ रहा है आराम से, मेरा दिमाग भी सही काम कर रहा है। और अब देखे वहाँ उन्होंने ना तितलियाँ लगाई हुई हैं, अगर वहाँ से देखे जाए तो वो सारी उन्होंने तितलियाँ लगाई हुई हैं, ठीक है। ये उस तरफ तो अभी तितली है, हम यहाँ से जाएंगे वो अम्ब्रेला वाली साइड है, फिलहाल वहाँ से इतने जल्दी घर पहुँचते हैं क्योंकि गाड़ी भी दूर है, तो आप लोगों को सारा दिखा तो दिया, अभी वापस घर की गाड़ी की तरह चलता है, घर पहुँचे और पहुँचते हैं। तो हाँ जी अंदर आ चुके हैं, ये मेन डोर है, यहाँ से सारा किचन है, सारा कुछ है अंदर, और ये भाई का सारा लिविंग रूम है, और भाई के पास ये छोटी सी बिल्ली भी है, काली सी बिल्ली है, बहुत ज़्यादा प्यारी, बच्चा मारता भी नहीं है ये। उसके बाद ये कमरा है, इसका ये सारा एक कमरा है, और ये बाथरूम है सारा, और बस इतना ही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज पसंद है, आपका पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मैं आपको मिलूंगा अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।